Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. I welcome you all for this sixth session on this current affair revision module. Dosto, what we are going to do is we are going to provide you some good quality revision module, and this is on a daily basis so that you are practicing on a regular basis. Dosto, aaj hum kya baat karne wale? We are going to talk about electoral bonds, we are talking about Gini coefficient, we are talking about pyramid of Djoser. This is in Egypt. Kyun ye news mein tha? Coal Mine Special Provision Act 2015 में क्या बदलाव आया, what is happening with the corruption of MP and MLA, उनका क्या होता है, उसके बाद Essential Commodities Act, Epidemics Disease Act. दोस्तों आज का सेशन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के सेशन में हमने जो जो भी चीज़ें लेकर आई है, that is more connected to recent current affair, ठीक है, और इसके ऊपर शायद एक आध दो पैराग्राफ बन सकते हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस, ठीक है. सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, जैदी, हाजराज, अलवाइट्स, याजीदी, ये तरीके की कम्युनिटीज है, देवर इन द न्यूज़ इन द रिसेंट टाइम, वाई वर दे इन द न्यूज़, ठीक है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, उसके बारे में बात करेंगे. ग्लोबल गेट कीपर अवार्ड, दोस्तों ये जो अवार्ड है, ठीक है, वो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को मिला है. सो मैंने इसलिए इसको लिया बिकॉज इसके साथ बहुत सारे और अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए. सो इसकी पीडीएफ में आपको पूरी लिस्ट ऑफ अवार्ड्स मिलेगा. सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे. ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू नो काला पानी, लिपू लेक, है ना लिम्पीदारा, ये जो डिस्प्यूट हो रहा था उसके पहले ये पाइपलाइन बन चुकी थी. भाभा कवच बहुत बार न्यूज़ में था. ट्रेन 18 वॉज ऑल्सो इन द न्यूज़, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों. PMNRF और PM कैट्स फंड, उन दोनों के बारे में बात करेंगे. एक गुरिल्ला ग्रुप, ठीक है, ELN कौन से कंट्री का है दोस्तों बताइए, ठीक है, जिसके बारे में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है. द ELN, द गुरिल्ला ग्रुप, विच प्लेस, द GI टैग, सम लेटेस्ट GI टैग. आपको याद होगा आज से करीबन लेकिन से 3 या 4 दिन पहले जो तीसरा सेशन था उसके अंदर मैंने GI टैग का पूरा लिस्ट दिया था. तो आई जस्ट थॉट टू ब्रिंग द लेटेस्ट वन, ओके, सो जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपका रिवीजन चालू रहे. नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बात करेंगे. द बैटल ऑफ कांगला टोंग भी, ठीक है, वन ऑफ द वेरी फेमस बैटल. शी बॉक्स, बेरफुट कॉलेज, चेंजेस इन यूनियन टेरिटरीज, आरोग्य सेतु ऐप, सम चेंजेस इन एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड राज्यसभा नॉमिनेशन, रंजन गोगोई साहब के साथ का ये न्यूज. चलिए ग्रेट, एक एक करके बात करते हैं दोस्तों, ठीक है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, देवर इन द न्यूज. दोस्तों क्या था ये? ये था एनोनिमस बैरर बॉन्ड. सो फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गिव फंडिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी. आई विल गो टू SBI, विल डिपॉजिट सम मनी, विल कलेक्ट दैट इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, दे विल गिव मी अ बॉन्ड ऑफ वॉट एवर द मनी आई डिपॉजिटेड, विच आर इन सर्टन डिनोमिनेशन. आई कैन परचेज बॉन्ड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1,000, 10,000, उस तरीके से मैं ले सकता हूँ. सो आई टेक दोज बॉन्ड, देन आई गो टू द पॉलिटिकल पार्टी, आई गिव इट टू देम, दे इन टर्न गो टू द बैंक एंड कैश दैट मनी. दिस इज हाउ द इलेक्टोरल बॉन्ड. द आइडिया वॉज कि हम एक तरीके से बहुत ट्रांसपेरेंट वे में पैसा फंड कर पाए पॉलिटिकल पार्टीज को, पर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया. बट एनीवे, हमें बात होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए. इलेक्टोरल बॉन्ड SBI देती है, ये सुनो, दे आर बैरर बॉन्ड, यू कैन से दे आर जनरली इश्यूड बाय RBI, बट इन दिस केस इट इज इश्यूड बाय SBI प्राइमरली बिकॉज इट हैज टू रीच टू कॉमन पीपल, दैट्स द रीजन, ओके, ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों. सो RBI फ्लैग द रिस्क टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भैया, ये गलत बात है, ऐसा करके RBI ने बोला था, पर क्या करें, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा तो चाहिए, ठीक है. सो डोनर इज एनोनिमस, पता नहीं कौन होगा, ठीक है. अच्छा, SBI नोज द डिटेल्स थ्रू KYC नॉर्म्स, KYC फुल फॉर्म पता होगा, ठीक है. सो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है. देर आर नो लिमिट्स ऑन द परचेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सो दे आर इन द न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड. Gini कोएफिशिएंट, सो दोस्तों वॉट एवर इज द इन्फॉर्मेशन यू शुड कलेक्ट. दोस्तों जो रिविजन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, बट देन यू शुड एक्चुअली गो थ्रू योर ओन नोट्स, ठीक है, ऑन दिस इश्यू एंड ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग, ठीक है. डोंट ट्राई टू कवर इट अप कि सिर्फ इतना पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, ठीक है. यू विल हैव टू
revise. Take it, the world across the world, Gini coefficient for the wealth is generally higher than that of the income. So Gini coefficient ek hoti hai, which is from 0 to 1. 0 represents perfect equality and 1 represents perfect inequality. So Gini coefficient is for equality measures. Okay, great. So Gini coefficient is higher, you can say that means where the inequality is very high. ओके सो आपको बताना है कि इंडिया का जीनी कोएफिशिएंट क्या है. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. सो ये बिल्कुल याद रखिएगा. इन मार्च 2020 इजिप्ट रीओपन्ड द पिरामिड ऑफ जोसेर टू द पब्लिक आफ्टर एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन कॉस्टिंग अराउंड 6.6 मिलियन डॉलर. ह्यूज. सो इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, विच इज़ एट मेम्फिस एंड नेक्रोपोलिस, ये दो जगह पे है. उनमें से ये जो पिरामिड ऑफ जोसर है, दैट इज एन ओल्डेस्ट पिरामिड. इट इज सिचुएटेड इन सकारा इन इजिप्ट. 4700 ईयर ओल्ड पिरामिड. ठीक है, मतलब क्या मजेदार चीज होगी देखने के लिए. इट इज नेम्ड आफ्टर द पेरोआ जोसर सर्व्स हिज बरियल प्लेस. सो पेरोआ ऑफ जोसर इज बरीड हियर. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. इंडिया अलाउज प्राइवेट सेक्टर इन कोल माइन ऑक्शन एंड प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो सेल कोल कॉमर्शली. दिस इज द मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट इन कोल माइन्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015. इट परमिट्स गवर्नमेंट टू ऑक्शन कोल माइन्स टू प्राइवेट सेक्टर for both captive and commercial purpose. What is the meaning of captive purpose? Captive purpose ka matlab hai, let's say I am developing electricity. Okay, so I need coal, so I can take mine entirely for my own internal purpose, that is called captive. Okay, commercial purpose, I take coal mine. ठीक है, एंड देन आई सेल दोस कोल, आई यू कैन से सेल दोस कोल्स टू द पीपल. ओके, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज. ओके, सो गवर्नमेंट हैज ऑक्शन 24 कोल ब्लॉक्स टू प्राइवेट कंपनीज टिल मार्च 2019. ठीक है, इन द ऑक्शन बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनीज कैन पार्टिसिपेट. 100% FDI इज अलाउड. ठीक है, एंड इंपोर्ट ऑफ थर्मल कोल इन 2018 ग्रू एट अ रिकॉर्ड ऑफ 19%. दिस इज ह्यूज. सो इस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट कॉमर्शियल पार्ट. दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 9.4% कोल लाइज विथ इंडिया. सबसे ज्यादा इट इज झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. पूरे इंडिया का 2/3 कोल यहां पे मिलता है. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. ठीक है दोस्तों, ये बात हो रही थी प्राइमरली लालू प्रसाद यादव के साथ. लालू प्रसाद यादव, ठीक है, जिनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप था और चारा घोटाला की वजह से इनको एक ऐसे जेल जाना पड़ा था एंड देयर बाय ही वाज डिस्क्वालिफाइड टू बी एमपी ऑफ लोकसभा. ओके, सो डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. ओके, सेक्शन 11 ऑफ RPA सेज दैट ECI, that is Election Commission of India, is empowered to remove any disqualification or reduce duration with reason to be recorded. So, दोस्तों ये जो बात थी ये आसाम के अंदर ये बहुत बार न्यूज में आई. ठीक है, लालू प्रसाद यादव तो भैया जेल हुआ उनको, आसाम के जो CM थे, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगा था. तो ये एक तरीके से इस RP एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होगा कि क्या करना है. दोस्तों ये आसाम के साथ कनेक्टेड, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कनेक्शन डेवलप करिएगा दोस्तों, है ना, भूलना मत. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. COVID-19 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्टेड टू प्राइस कंट्रोल ऑन अल्कोहल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हैंड सैनिटाइजर. ठीक है, सो हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज होता है, आपको लेके जाना पड़ेगा, याद है. ये सुनो दोस्तों, आप जब इगेंस क्लैट की परीक्षा में जाएंगे, ठीक है, तो आप अपना मास्क पहन के तो जाएंगे, पर वहां से वो आपको एक अलग मास्क देंगे, 3-ply mask. ओके, दे आर गोइंग टू गिव यू 3-ply mask. ठीक है, जो आपको उनका मास्क पहनना पड़ेगा, और जो भी चीज़ आपको वो दे आप हैंड सैनिटाइज करके उसको लोगे, आपका हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए. इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों. इट हैज ऑल्सो ब्रॉट हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क अंडर द परव्यू ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट अंटिल June 30. दोस्तों अभी क्या स्टेटस है वो बताइए, अभी एसेंशियल कॉमोडिटी में ये आता है कि नहीं. सो सबसे पहली चीज
देखते हैं व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स दैट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन और इंक्रीज सप्लाईज ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी और मेक इट अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस, इट कैन रेगुलेट प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ दैट कमोडिटी. दिस देर इज यू कैन से शेड्यूल टू दिस एक्ट. ओके, समझना दोस्तों क्या है उसके अंदर. द शेड्यूल्स आर नॉर्मली कलेक्टेड टू फूड स्टफ, एडिबल ऑयल, ड्रग्स के साथ अलग से, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एंड पेट्रोलियम एंड यू कैन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट. दोस्तों सेंटर हैज गॉट पावर टू ऐड और रिमूव एनी कमोडिटी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, जो भी इसमें ऐड करना है, निकालना है, वो सेंटर के पास पावर है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. ठीक है दोस्तों, नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है इन द रिसेंट टाइम इलेक्शन, दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वॉज मोस्टली इन्वोक्ड टू कंट्रोल प्राइस राइज इन द फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है, जनरली इसलिए होता था, व्हेन द प्राइसेस ऑफ एनी ऑफ द कमोडिटीज इन द शेड्यूल राइज, गवर्नमेंट इम्पोजेस स्टॉक होल्डिंग लिमिट, कि आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे ताकि होल्डिंग रुक जाए. ये सुनो, कॉन्फिस्केट स्टॉक्स ऑफ वायलेटर, इम्पोजेस पनिशमेंट. ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ स्टेट के पास भी पावर है. ठीक है, दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, एंड दे हैव डेलीगेटेड इट टू स्टेट बाय वे ऑफ ऑर्डर, यू कैन से ड्यूरिंग 72-78. अब उसको भी इन्होंने कर दिया है, ये इमरजेंसी के प्रावधान के दौरान था. अब द स्टेट्स में नाउ नोटिफाई सेंट्रल ऑर्डर इन देयर ऑफिशियल गैजेट, ऑल्सो इश्यू देयर ओन ऑर्डर under this EC Act to that effect and take necessary action as per the situation prevailing in the state. Generally, center specifies the upper limit in the case of stock holding. State prescribes specific limits depending on the situation. Normally, it is state who is in the fully control. In this scenario, we can say, normally center is in a fully control. Okay. In this scenario, it is the state. Okay. Is that comfortable? Great. What about penal provision? Violation like maintaining record, books, filing return, they attract punishment between 3 months to 1 year. Okay? And major offenses can attract up to 7 years. Okay? So this is how you should be knowing about it. Epidemics Disease Act 1897. Okay. So yaad rakhega ye years. Okay. They are in the news because of COVID-19. Dosto, British government ne usko introduce kiya tha to tackle epidemic of bubonic plague that had spread in Bombay Presidency in 1890s. Using the power conferred by the act, the colonial authorities would search suspected plague cases in homes, among passengers, with forcibly segregation, evacuation, demolition of infected places. ये सब करते थे, है ना, और बहुत कहर बरसाते थे और उस समय पे इसको सही माना जाता था. In 1897, फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, वॉज पनिश्ड विथ 18 months रिगरस इम्प्रिजनमेंट आफ्टर ही कैरिड आउट आर्टिकल्स इन हिज मराठी न्यूज पेपर केसरी. दोस्तों अभी हमने ये डेली करंट अफेयर में बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करी थी. यस नो, उनकी बर्थ एनिवर्सरी कितने नंबर की थी, यस नो, और वो कौन कौन से इनसे न्यूज पेपर, तो ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी. समझिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के बारे में बात हुआ, बिबोनिक प्लेग के बारे में बात होगा, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ पे हुआ था, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगी. दोस्तों इज दिस कम्फर्टेबल टू एवरीवन? यस, ठीक है. सो बिबोनिक प्लेग मतलब वॉज डेवलप बिकॉज ऑफ स्वेलिंग कॉल ब्यूबोज दैट इरप्टेड इन दी बॉडी, है ना, बॉडी में कोई चीज स्वेल हो जाती थी. द डिजीज अराइव्ड इन बॉम्बे इन अक्टूबर 1896, इट अफेक्टेड नंबर ऑफ कंट्रीज. ठीक है दोस्तों, ये जो बिबोनिक प्लेग था पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कुछ कुछ जगहों पे हुआ. सबसे बुरा हुआ था सूरत में, समराउंड 94 के करीब में कुछ हुआ था, अगस्त 1897. ठीक है, 1.32% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे, दैट इज समराउंड 10,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ प्लेग. इट वॉज फेटल फॉर 80% ऑफ दोज हु कॉन्ट्रैक्टेड इट. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ. ठीक है, और ये होता है जनरली कमिंग फ्रॉम यू कैन से फ्लीज ऑफ रेड्स और लाइस ऑन द ह्यूमन. ठीक है, तो ये सब कारण, मतलब वो जो लाइस जो सर पे होती है वो, और रेड्स, है ना, जो फ्लीस छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से ये फैलता था बुबोनिक प्लेग. ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके के
सो अब हम बात करेंगे किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स ने इसको यू कैन से रिसेंट वे में यूज किया. इफ द स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स दैट एनी पार्ट इज थ्रेटन विद डेंजरस एपिडेमिक डिजीज एंड एनी इफ इट इट थिंक्स दैट द ऑर्डिनरी एग्जिस्टिंग लॉज आर इनसफिशियंट स्टेट गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक नोटिस प्रिस्क्राइब सच टेम्पररी रेगुलेशन. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मे टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बाई रेलवे. ठीक है, सेग्रीगेट करना, हॉस्पिटलाइज करना, ठीक है, उसको अपने घर पर लॉक करना. ठीक है, ये सब बिल्कुल पॉसिबल है. ये सुनो, आप देखते होंगे रोज आपके लोकल अखबारों में ऐसी न्यूज आती है. ये सुनो, पेनल्टीज फॉर डिसोबिंग एनी रेगुलेशंस और ऑर्डर मे बी अंडर द एक्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के द्वारा उनको जेल हो सकती है. ये सुनो, लीगल प्रोटेक्शन टू इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स अंडर एक्टिंग दी यू कैन से एक्ट, सो दर इज अ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड. सो रिसेंटली द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ वडोदरा इन गुजरात इन 2018 इश्यूड अ नोटिफिकेशन अंडर द एक्ट डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर विलेज टू बी डिस्ट्रिक्ट एज कोलेरा अफेक्टेड. ये रिसेंट एग्जाम्पल था इन गुजरात. ओके, पूरे इंडिया में ये सबसे रिसेंट एग्जाम्पल था. उसके बाद तो पूरा COVID-19 का दुनिया आ गया. ठीक है, ओके, अब इसके साथ साथ लॉकडाउन हो गया था. लॉकडाउन कौन सी तारीख से कौन सी तारीख का हुआ था ये पूरा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा. लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, फिर अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3. ओके, ग्रेट. तो इस समय पे बच्चों को पढ़ने के लिए जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म थे गवर्नमेंट के, उसके बारे में बात करें दोस्तों. एक ई पाठशाला थी, स्वयं करके था और स्वयं प्रभा था. ठीक है, ई पाठशाला इज अ वेब पोर्टल. ठीक है, डेवलप बाय एनसीईआरटी विच हैज अराउंड 2000 ऑडियोज, 2000 वीडियोज, 696 ई बुक्स, ये सब कुछ इसमें था. स्वयं इज अ नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. ठीक है, करीबन 1900 कोर्सेज है उसके पास. एंड स्वयं प्रभा इज अ 32 D2H केबल टीवी, 24/7 चलता है. ठीक है, ये फ्री में मिलता है दोस्तों, ये सब तरीके के कोर्सेज कवर करता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज. ओके, इसके साथ साथ ProTalent भी लगाना भूलना मत. ये सुनो, सो ProTalent इज प्रोवाइडेड यू फ्री कोर्स फॉर द एंटायर लॉकडाउन. ओके, कोई चार्ज नहीं था, इट वॉज एंटायरली फ्री, अवेलेबल फॉर एवरीवन. ठीक है, जाइदीज, हाजराज, अलवाइज, याजिदीज, दे आर इन द न्यूज. जाइदीज है ना दोस्तों, दे आर पार्ट ऑफ हाउदी रेबेलियन. याद है हाउदीज, हाउदीज ने अटैक किया था ऑन सऊदी अरब को. यस, ग्रेट. हाउदीज आर पार्ट ऑफ शिया जाइदी, अ ब्रांच ऑफ शिया, यू कैन से इमामिया ऑफ ईरान. शिया ग्रुप के लोग है ये. ठीक है, जाइदीज बिलीव दैट मुस्लिम्स शुड बी रूल्ड ओनली बाय डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद हुम दे कॉल एज इमाम. ठीक है, यमन वॉज रूल्ड बाई सच इमाम फॉर मोर देन 1000 ईयर एंड देयर रूल एंडेड इन 1962. Now, civil war is going on in Yemen between Houthi rebellion, which are supported by Iran, and government forces, which are supported by Saudi Arabia, which are Shia. Okay, so Saudi Arabia is a Shia, Iran is, Saudi Arabia is Sunni, Shia is from Iran. Alawite ke baare mein baat kare dosto, Alawite is a sect of Islam, primarily based in Syria. Okay, this sect is an offshoot of Shia Islam. अलवाइट बोलते हैं दोस्तों, सीरियन प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू अलवाइट एंड देर इज हॉस्टिलिटी बिटवीन अलवाइट एंड सुन्नी मुस्लिम. ठीक है दोस्तों, एक तरीके से देखें तो शिया का ये पार्ट है, शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अलवाइट और सुन्नी के बीच में भी लड़ाई होगी. हाजराज, हाजराज आर एथनिक ग्रुप इन अ माउंटेनियस रीजन ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, दे आर इन द न्यूज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट अटैक फ्रॉम तालिबान टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल. याजिदी, ठीक है, दे आर लिविंग इन सिंजार माउंटेन ऑफ इराक. दे आर इन द न्यूज बिकॉज दे बिकेम विक्टिम ऑफ जिनोसाइड बाई ISIS इन 2014. ओके, जाइदीज, अलवाइट्स, हाजराज, याजिदीज. ओके, कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, डिफेंस अकाउंट्स फॉर मोर देन 15% ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड यू कैन से इज द गवर्नमेंट लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आफ्टर डेट सर्विसिंग. गवर्नमेंट ने जो लोन लेके रखी है उसको भरपाई करना है, उसका EMI देना है. ये सुनो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा है. उसके बाद अगर सबसे बड़ा दूसरा अगर खर्चा हो सो दैट इज डिफेंस. दोस्तों, इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर. ठीक है दोस्तों, इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर सऊदी अरेबिया.
सऊदी अरेबिया सिप्री के द्वारा ये न्यूज़ आई थी। सिप्री का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर, ठीक है। दो द शेयर ऑफ रशिया इज रिड्यूसिंग नाउ स्लोली एंड स्लोली अमेरिका इज इंक्रीजिंग। सो आई एम श्योर यू नो दैट रिसेंटली वी परचेज सम यू कैन से फेमस प्लेन फ्रॉम फ्रांस, उसके साथ साथ अपाचे चिनूक ये सब हम अमेरिका से परचेज कर रहे थे, ठीक है। रशिया से भी हम परचेज करते हैं बट परसेंटेज शेयर उसका कम हो गया है। अब हम धीरे धीरे फ्रांस अमेरिका इसराइल वहाँ से परचेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इन 15% डिफेंस में जो डालते हैं उनमें से बहुत सारा पैसा इट गोज टू सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ आवर एम्प्लॉयज। दिस इज रियली नीडेड दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक इतने सारे लोग नहीं होंगे तब तक हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स चलेगी कैसे, तो हमें चाहिए, है ना, वी नीड इट, ओके। सो दिस ईयर 66.9 बिलियन डिफेंस बजट मेक्स इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए स्पेंड 717 बिलियन डॉलर, हम उसका 10% भी नहीं करते हैं, ठीक है। वेल चाइना स्पेंड्स अराउंड 177, ठीक है। इंडिया उसका 50% स्पेंड करता है, बट 50% जितना करता है क्योंकि चाइना के सामने हमें लड़ाई लड़नी है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन डिसाइडेड टू बेस्ट आउट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स ग्लोबल यू कैन से गेट कीपर अवार्ड प्राइमरली फॉर स्वच्छ भारत कैंपेन। ये सुनो दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ने ये 15 अगस्त को एक और कैंपेन निकाला था, सॉरी 15 अगस्त के पहले एक वीक का स्वच्छता अभियान कौन सी जगह पे किया था बताइए दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो पीडीएफ होगी उसके अंदर पूरे अवार्ड्स के लिस्ट करना भूलिएगा मत, ओके। इंडिया नेपाल इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन इन साउथ एशिया, ठीक है दोस्तों। ये पहली पाइपलाइन है जो पेट्रोलियम की पाइपलाइन है दोस्तों। नेपाल लैंडलॉक्ड है, नेपाल के पास पेट्रोलियम की कमी है, सो वी हैव टू गिव इट टू देम, बराबर, नहीं तो चाइना देगा। अगर हम नहीं मदद करेंगे तो चाइना के पास चला जाएगा, चाइना के पास जाएगा, चाइना उसको कैप्चर कर सकता है जैसे तिब्बत को कर लिया, और फिर इंडिया के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर सपोर्टिंग इवन आफ्टर, ठीक है, हमारे राम सीता वहाँ पे ही जन्म हुए, ऐसा अगर कोई बोलता है, विनोद भी वहाँ से आया तो क्या करें, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी सपोर्ट देम। ट्रेन 18 इज अ वेरी फेमस ट्रेन जिसका नाम अब हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सुनो, ट्रेन 18, ओके, सो दैट इज एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ यू कैन से हाफ अ डजन कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैव कैपेबिलिटी टू टर्न आउट अ ब्रांड न्यू डिजाइन ऑफ हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ट्रेन 18 पहली बार ये दिल्ली और वाराणसी के बीच में चली। ये ट्रेन 18 बनाई गई थी चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से, ठीक है। 97 करोड़ लगा उसको बनाने में, एक प्लेन बनाने में। 16 कोच की ट्रेन थी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, और ये एक कैन से लोकोमोटिव लेस है, मतलब इंजन अलग से नहीं है, हर एक डिब्बे में इंजन है। सो दिस इज हाउ द आइडिया इज, ओके। सो दिस इज वंदे भारत एक्सप्रेस, ओके, ग्रेट, इंडिजिनियसली डेवलप। भाभा कवच, इट इज इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ कवच जैकेट, लॉन्च एट इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो इन 2019। 9.2 किलोग्राम का है ये दोस्तों। AK-47 असॉल्ट राइफल से भी हम बच सकते हैं, मतलब अच्छी बात है। दिस इज रियली नीडेड, थोड़ा हल्का चाहिए, और ये इन्होंने दिया है GI टैग, आपको पता होगा ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग होता है दोस्तों, है ना, बहुत ज़रूरी है ताकि एक एरिया में लोगों को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, उनकी एरिया का जो बेनिफिट है, उस ज्योग्राफिक लोकेशन का जो एडवांटेज है वो उनको मिले। और इसीलिए अ टेम्पल प्रसादम फ्रॉम तमिलनाडु, अ वुवन फैब्रिक एंड कलरफुल शॉल फ्रॉम मिजोरम, अ बीटल वाइन फ्रॉम केरला आर द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड इन दिस GI टैग। दोस्तों GI लेजिस्लेशन 99 से चालू हुआ था, इस बार करीबन 2019 में उस GI टैग का लोगो आ गया, एज वेल एज उसका मोटो आ गया। उसका मोटो और टैग जो है वो आपको पता होना चाहिए, मोटो बताइए क्या है, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना। ये पलानी पंचामित्रम, तिरूर बिटल वाइन फ्रॉम केरला, एंड मिजो पुंचाई एंड यू कैन से तालहो पुआन फ्रॉम मिजोरम, ठीक है, इनको ये GI टैग मिला है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वॉज इन द न्यूज, क्योंकि इन जनवरी 1948 इन अ परस्यूएंस ऑफ एन अपील बाई दी देन प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू, दिस फंड वॉज एस्टाब्लिश्ड। इनिशियली इट वॉज टू असिस्ट
द डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान बाई पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा इंडिया उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ताकि जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे उनको हम सपोर्ट कर पाए। धीरे धीरे ये हम यूज करने लगे उसको, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक के विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए हमने ये चालू किया। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। और इसके अलावा वी हैव स्टार्टेड दिस पीएम केयर्स फंड विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 28, 2020। ओके, सो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो PMNRF है दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन January 1948, ओके, एंड दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन March 28। ओके, इट इज अ डेडिकेटेड नेशनल फंड विथ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डील विथ COVID-19। ओके, द ट्रस्ट वॉज चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट, इट डजेंट कम अंडर से आपका RTI। क्या मजाक था, पर क्या करें, फुल फॉर्म पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। अमेरिका चार्ज्ड वेनेजुएला डिक्टेटर मिस्टर निकोलस माडुरो एंड 14 अदर मेंबर्स विथ ड्रग ट्राफिकिंग एंड मनी लॉन्डरिंग एंड नार्को टेररिज्म। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफर अ $15 million रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू मिस्टर माडुरोज अरेस्ट, ठीक है। मतलब माडुरो को बताने कि भाई माडुरो साहब कहाँ पर है, ठीक है भाई, सबको बताए वेनेजुएला में, ठीक है। Anyway, the indictment alleged that he co-founded a cartel of sons which sought to flood America with cocaine. ठीक है, तो अमेरिका में इन्होंने कोकेन स्प्रेड करना चालू किया। ऑब्वियस है दोस्तों, जब कोई देश की हालत ख़राब है, एक ज़माने में इंग्लैंड की हालत ख़राब होती थी, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा चाय चाहिए होती तो चाइना से मिलती थी, तो उन्होंने ओपियम वॉर चालू करी। वेनेजुएला का ये ऑयल का बिजनेस पूरा ठप हो गया, तो जिसकी वजह से दे नीड मनी, सो दे आर सेलिंग कोकेन टू अमेरिका। ओके, सो दिस इज वेनेजुएला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिएगा, वेनेजुएला का कैपिटल, वेनेजुएला के करेंसी कौन सी है बताइए। द ELN गुरिला ग्रुप इन कोलंबिया डिक्लेयर्ड अ 1 month सीज फायर स्टार्टिंग फ्रॉम April 1st। दोस्तों, दिस इज ह्यूमानिटेरियन जेस्चर बाय दिस गुरिला ग्रुप, 1 month सीज फायर बिकॉज ऑफ COVID-19। दोस्तों, कोलंबिया काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर चली थी, इसीलिए करीबन 2018 का जो पीस प्राइज था वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को मिला था। ये सुनो, वो 2019 का किसको मिला था, एबी अहमदी। ये सुनो, इथियोपिया की लड़ाई किसके साथ, एरिट्रिया के साथ। ये सुनो, ठीक है, एरिट्रिया वॉज डिवाइडेड फ्रॉम इथियोपिया। ये सुनो, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑन April 1 ज्वाइन अ सिलेक्ट लीग ऑफ नेशंस हैविंग वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। क्यों भैया, हमने भारत स्टेज 6 चालू किया। ये सुनो, फ्यूल, हमने भारत स्टेज 6 चालू किया, विच इज अगेन से पूरे वर्ल्ड में जो जो भी कंट्रीज के पास क्लीनेस्ट पेट्रोल एंड डीजल है, वही हमारे पास भी है। सो वी हैव स्विच्ड फ्रॉम भारत स्टेज 4 टू भारत स्टेज 6 फ्यूअल, वॉज डन इन जस्ट 3 years। नाउ दिस कंटेन्स 10 PPM सल्फर, अगेन से अर्लियर इन BS3 इट वॉज 350 PPM, जस्ट इमेजिन। फिर BS4 में हम 50 PPM पर लेकर आए, अब हम 10 पे लेकर आए। दिस इज वेरी क्रूशियल, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन इज वंडरफुल दोस्तों, है ना। ये एमिशन नॉर्म्स है, व्हीकल के भी नॉर्म्स BS4 के मुताबिक, सॉरी BS6 के मुताबिक आते हैं। दोस्तों, BS4 और BS6 के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण केस पहुंचा था, उसके बारे में भी बताइएगा दोस्तों, अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, ग्रेट, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नेशनल वॉर मेमोरियल नियर इंडिया गेट, इट बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 171 crore। It is constructed on C hexagon near India Gate to honor 25,000 soldiers who laid their lives, you can say, for the country since independence. Dosto, India Gate pe Amar Jyoti Jawan jo hai, that is pre-independence, India ke soldiers जो इंडिपेंडेंस के पहले अलग अलग लड़ाइयों में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, ठीक है, उन लोगों का नाम है वहाँ पे। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है दोस्तों। नेशनल वॉर म्यूजियम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द प्रिंसेस पार्क कॉम्प्लेक्स गेट। न्यू अमर जवान ज्योति वॉज इनॉग्रेटेड ए मेमोरियल एंड दिस न्यू वॉर मेमोरियल विल हेंसफोर्थ विल बी द प्लेस फॉर रेथ लेइंग फॉर ऑल डेजिग्नेटेड इवेंट। ये होगा दोस्तों, द फीचर्स आर प्रोवाइडेड, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र, ठीक है। ये पूरा का पूरा
याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आप ये याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा. बैटल ऑफ कांगलाटोंग भी कंसिडर टू बी फियरसेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वॉज फॉट ऑन द नाइट ऑफ 6-7 अप्रैल ऑफ 1944. जापानीज फोर्सेस प्लान्ड अ 3-pronged ऑफेंसिव टू कैप्चर इम्फाल एंड द सराउंडिंग एरियाज. ठीक है, सो दिस वॉज अ प्लेस कॉल्ड कांगलाटोंगबी, अ स्मॉल बट डिटरमाइंड डिटेचमेंट ऑफ 221 AOD पुट अप स्टीफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एडवांसिंग ऑफ जापानीज फोर्सेस. दोस्तों जापान एकदम परेशानी वाली दुनिया है दोस्तों, वो बहुत बुरा करते हैं. उन्होंने अंडमान निकोबार ले लिया था, सुभाष चंद्र बोस जी को पता नहीं था कि जापान इतना बुरा है. ठीक है, वो जब जिंदा थे तब तक उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. जापान ने जिस तरीके से अंडमान निकोबार अपने हाथ में ले लिया ना दोस्तों, सोच भी नहीं सकते किस तरीके से लोगों को मारते थे. कांगलाटोंगबी वॉर मेमोरियल इज द टेस्टिमनी टू दिस बैटल एंड द अनफ्लिंचिंग डिवोशन ऑफ द ड्यूटी ऑफ पर्सनल ऑफ 221 AOD. याद रखिएगा दोस्तों, वुमेन आर सेक्सुअली हैरेस्ड एट द वर्क प्लेस इन द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो लॉज देयर कंप्लेंट ऑन अ गवर्नमेंट पोर्टल नोन एज शी बॉक्स. ओके, पहले इट वॉज ओनली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन डू दैट, नाउ इट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 विशाखा गाइडलाइन. राजस्थान का केस था दोस्तों, विशाखा गाइडलाइन आई थी इसके अंदर. यस और नो? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. बैरफुट कॉलेज इन अ विलेज ऑफ तिलोनिया इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वॉज इन द न्यूज. दे आर द सोशल वर्कर. ठीक है, इट वॉज डेवलप बाई बंकर रॉय 43 ईयर अगो. ठीक है, दे आर नाउ होम टू द वुमेन हु आर टर्म्ड एज सोलर मामाज. यस, हमारे घर की जो मामाज होती है वैसे ये मामाज है, सोलर अगेन से मामाज. ठीक है, वॉट डू दे डू? दे प्रोवाइड अगेन से ऑल दी सोलर टेक्नोलॉजी रिलेटेड सपोर्ट टू ऑल दी विलेजेस. ओके, बैरफुट कॉलेज बोलते हैं दोस्तों इसको. दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली दे बिकेम वन यूनियन टेरिटरी. नाउ वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स. ओके, ये हो गया था 26 जनवरी 2020 से दोस्तों. दीव दमन, ठीक है, दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली. देखिए भैया, दादरा अलग है, नगर हवेली अलग है, दमन अलग है, दीव अलग है. ठीक है, अगर आपको याद हो दोस्तों तो ये अगर गुजरात है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दीव है, ठीक है, इधर दमन है, दमन से कहीं पे थोड़ा सा दूर यहाँ पे दादरा है, दादरा के बिल्कुल बाजू में नगर हवेली है. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों. ठीक है, ओके दोस्तों, ये जो इगेन से सिनारियो है ना, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, ये सब मिला जुला कर एक बन गया है. दे शेल बी एलोकेटेड 2 seats टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इन द हाउस ऑफ लोकसभा. ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी इन दिस एरिया. ठीक है, पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही था, अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट है दोस्तों. दीव एंड दमन, ठीक है, एंड दादरा नगर हवेली, दे वर इन द हैंड्स ऑफ पोर्चुगीज पीपल. किन के हाथ में था? पोर्चुगीज के हाथ में था. पोर्चुगीज के साथ लड़ाई करके ये फाइनल इंडिया में आ गया था. दादरा नगर हवेली बहुत पहले आ गया था, दीव दमन और गोवा 1962 में आया था. ठीक है, आई रिमेंबर, पॉसिबली आई मे बी रॉन्ग, यू मे पॉसिबली चेक. दादरा नगर हवेली केम इन अराउंड 1958 के करीब में इंडिया के पास आया था. चलिए ग्रेट दोस्तों, COVID-19 पेंडेमिक हैज स्टॉल्ड एडवांस ट्रेनिंग ऑफ दोस 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल इन रशिया. ठीक है, फॉर गगनयान मिशन, ये पता होगा आपको, 4 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को रशिया में भेजा जाने वाला था. ठीक है, एंड दे मस्ट हैव स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग इन फेब्रुआरी. ठीक है, एंड दैट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस दिस गगनयान ऑन May 2021. तो ये 15 महीनों की ट्रेनिंग कहीं से रुक गई थी COVID-19 की वजह से. अब रशिया में तो वैक्सीन आ गई है ना, स्पुतनिक 5. ठीक है, तो अब तो हो जाना चाहिए एनीवे. ठीक है दोस्तों, स्पुतनिक 5 से पहले एक मेरा सवाल, चाइना में है ना, चाइना की एक वैक्सीन है दैट इज यूज्ड फॉर पीपल्स लिबरेशन आर्मी. ठीक है, उस वैक्सीन का नाम बताइए दोस्तों. चाइना ऑलरेडी वैक्सीन यूज करता है अपने आर्मी पर्सनल के ऊपर, उस वैक्सीन का नाम बताइए. ठीक है, और जो रशिया की है दैट इज अ डिफरेंट, स्पुतनिक 5. ओके, चलिए ग्रेट. ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप इज द मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाई
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें ड्रिल हो जाए। दिस इज ट्रैकिंग इज डन थ्रू ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ के द्वारा ये ट्रैकिंग होती है, ठीक है। एंड दिस इज 1:2, यू कैन से सेट लोकेशन शेयरिंग टू ऑलवेज, सो दैट ब्लूटूथ के साथ आप दूसरों को कनेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई उस बंदे को ये प्रॉब्लम है कि नहीं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोमल्गेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उसको प्रोमल्गेट किया ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा, ठीक है। मेकिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। द ऑर्डिनेंस प्रपोजेज दैट इन केसेस ऑफ अटैक्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज एंड फाइनल डिसीजन अराइव्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये बहुत चेंजेस कर दिया दोस्तों। जेल टर्म है अप टू 3 months to 5 years, फाइन रेंजेस फ्रॉम 50,000 to 2 lakh रुपीज। इन सीवियर केसेस इम्प्रिजनमेंट मे बी अप टू 7 years एंड फाइन मे बी रेंजिंग फ्रॉम 1 lakh to 5 lakh। जीरो टॉलरेंस ऑन अटैक ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसको बहुत अच्छा लेकिन से मूव माना था, जरूरी था दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड सेवरल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटीज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है दोस्तों। ये बेसिकली बात हो रही है सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू आर्टिकल नंबर 124 एंड 217 विच इज एन इम्पीचमेंट, ओके। सो बात हो रही है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटीज टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो हु आर कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड पीपल, दे आर दी जजेस, ओके। सैलरी ऑफ जजेस, देयर एज ऑफ रिटायरमेंट, ऑल आर गारंटेड टू सिक्योर देयर इंडिपेंडेंस। सो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल के तहत उनका अपॉइंटमेंट होता है, ये सर नो। चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हैपनिंग द रिसेंट टाइम, क्लियर डिमार्केशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव गॉट ब्लर्ड एज मेनी जजेस ओवर द ईयर्स बिगेन टू एक्सेप्ट पोस्ट ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट, जिसमें से हम बात कर रहे हैं फॉर्मर CJI वॉज मेड गवर्नर ऑफ केरला, ये सुनो, ठीक है। कौन है भाई साहब बताइए, गवर्नर ऑफ केरला। वी हैव ऑल्सो केस ऑफ फॉर्मर CJI रंजन गोगोई टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। दोस्तों देर इज अ परसेप्शन दैट पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अगर कोई लेता है, जैसे रंजन गोगोई साहब ने लिया, ठीक है, वो सदाशिवन साहब ने केरला में लिया, ठीक है, दैट मीन्स दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस फॉर देयर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एंड दे आर एडवर्सली अफेक्टिंग देयर जुडिशरी पार्ट, और ये एक तरीके से परसेप्शन तो क्या रियलिटी भी हो सकती है। सो दिस इज रियली अ प्रॉब्लमेटिक, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे, आज के दिन के इतना ही है दोस्तों, ठीक है। इस सेशन का PDF लेना भूलिएगा मत, दिस इज अवेलेबल ऑन protalentdigital.com, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू। एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ProTalent की चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए एंड स्प्रेड इट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ दिस करंट अफेयर मॉड्यूल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।